हेलो बच्चों, ड्रीम्स ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम क्या पढ़ेंगे, उत्क्रमणीयता और पार्श्व विस्थापन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। इसके बाद हम लेंस शुरू करेंगे ना। तो आप समझ लीजिए उत्क्रमणीयता क्या होता है ना। जैसे ये हमारा एक मीडियम है, मीडियम किसका है, कांच का है ना। ठीक है। अब प्रकाश की किरणें गिरी, क्योंकि हम अभी किस चैप्टर में, अभी तक हाँ अपवर्तन में ना, तो जहां गिरी वहीं पे हम अभिलंब खींच देते हैं। तो चूंकि ये हवा है और दूसरा कांच, प्रकाश किस माध्यम से, हवा से कांच में जा रहा है। तो हवा कौन सी माध्यम है, विरल माध्यम, और कांच सघन माध्यम। तो ये सीधे में जाकर के अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देखिए टॉर्च यहां जला रहे हैं ना। बाजार से आप गए और वो जो एक किरण वाला बूंद वाला प्रकाश देता है, मेले वाले मिलता है, वही वाला आप लेजर लाइट ले लिए ना, एक लेजर लाइट लिए वहां से जलाए ना कांच के ऊपर, तो आप देखें किरण ऐसे इस तरह से मुड़ के जाती है। अब उत्क्रमणीयता की बात करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि अगर हम अब टॉर्च अगर यहाँ निशान लगा ले, इस जगह पे एक निशान लगा लिए पेन से, अब टॉर्च हम यहां से अगर जलाए, वहां से हटा के यहां से, तो आप देखेंगे अगर अब रोशनी यहां से जाएगी, ऐसे इस तरफ जाएगी, तो इसी दिशा से होकर निकलेगी। पहले इस दिशा में अगर आप निशान लगा चुके हैं तो यहीं से होकर जाएगी। इसी को कहते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। यानी यहां से टॉर्च जलाए तो लाइट ये दिशा फॉलो की, लेकिन अगर आप यहां से टॉर्च जलाएंगे तो अब किधर प्रकाश फॉलो करेगा, उल्टा वाली दिशा, ठीक उल्टा वाला ना। यही है उत्क्रमणीयता ना। यहां से हमें एक और चीज मिल जाता है, इतना तो आप समझ गए होंगे। यहां से क्या चीज मिलता है वो देखिए। ठीक है, यह विलंब है ना, इसको क्या कहते हैं, हाँ क्या, कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण। तो अगर अभी देख रहे हैं, पहली स्थिति में टॉर्च यहां से जला रहे हैं, प्रकाश यहां से आ रही है ना, तो ये आने वाली किरण आपतित किरण, और ये हो गई अपवर्तित किरण। स्नेल का नियम याद करिए, हाँ बोलिए, साइन आई बटे साइन आर बराबर ए से जी में जा रहा, तो ए एन जी, समझ गए। इसी को हम लोग लिख देते हैं कभी कभी एन जी ए करके ना, जी को नहीं छेड़ेंगे, ए को वहां पे ला देंगे बस, समझ गए। ठीक है, तो ये वाला कोण ही आपतित किरण है, तो ये साइन आई, ये आर, ये अपवर्तक कोण ना, यहां तक समझ गए। साइन आई बटे साइन आर बराबर ए एन जी। चलिए इसको हम इक्वेशन एक मान लेते हैं। अब देखिए, अब दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं कि सेम चित्र में टॉर्च कहाँ से जला रहे हैं अब, हाँ टॉर्च नीचे से जला रहे हैं, तो हमें पता है कि यही मार्ग फॉलो करेगा ना, प्रैक्टिकल करके हमने देख लिया है। अब कोड को भी हमने ऐसे ही बनेगा ना, यही यही कोड बनेगा। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में आप हमें बताइए कि दूसरी स्थिति में आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, प्रकाश आ रही है तो ये वाला कोण आर आपतन कोण हो जाएगा ना, आई के जगह हम आपतन कोण आर लिख देंगे ना, हाँ, और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, ये आई अपवर्तन कोण हो जाएगा, तो साइन आर बटे साइन आई बराबर, इस बार कैसे लिखेंगे, उस बार ए एन जी लिखे थे, इस बार यहां से जा रहा है, ग्लास से जा रहा है हवा में, तो जी एन ए। ठीक है, समीकरण एक और दो को भाग गुणा कर दीजिए आपस में, तो साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई, यानी पहले एल एच एस का एल एच एस में गुणा आर एच एस का आर एच एस में ना, ए एन जी गुणे जी एन ए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, साइन आई से साइन आई कटा, साइन आर से साइन आर कटा, यहां पे एक आ गया, एक बराबर ए एन जी गुणे जी एन ए, यानी यहां से ए एन जी बराबर लिख सकते हैं एक बटे जी एन ए। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, इसका बहुत यूज होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर हम कह दें कि हवा से कोई चीज ग्लास में जा रही है और उसके अपवर्तन का मान 3/2 है, तो पूछ दिया सवाल में कि जी एन ए का मान कितना होगा, तो आप इसको पलट देंगे, यानी 2/3, यही फार्मूला लगा के पलट देंगे ना, बस यही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और यहां से हमने ये फार्मूला निकाल दिया,
हमने प्रकाश की उत्क्रमणीयता समझ लिया बहुत अच्छे से ना। अब हम बात करेंगे प्रकाश का पार्श्व विस्थापन का बात, ठीक है। इतना समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब उत्क्रमणीयता समझ गया, पार्श्व विस्थापन पे आते हैं। उसी तरह कांच है, पहले पार्श्व विस्थापन का मतलब समझ लीजिए, विस्थापन यानी अपनी जगह से भटक गया, विस्थापित हो गया, उसे पार्श्व विस्थापन कहते हैं। ये चीज समझेंगे तो पूरा समझ जाएंगे। जैसे प्रकाश की किरण आई, अब तो आप लोग समझ ही जाएंगे, एक अभिलंब तुरंत गिरते ही डाल देते हैं, यहां से मुड़ गई ना, सीधे ऐसे जाना चाहिए था उसको, ऐसे ना, अपनी दिशा से वो मुड़ गई है, यहां पे गिरी, यहां पे फिर हमने अभिलंब डाल दिया, यहां से वो फिर थोड़ा सा मुड़ जाएगी ना, समझ रहे हैं, ऐसे जाना चाहिए था और वो इस तरह से गई है ना, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी ही उसकी क्या हो गई, पार्श्व विस्थापन हो गया, इतना ही दूर भटकी है ना, जाना था उसको इस रास्ते पे, पहुंच गई इस रास्ते पे, यानी दिशा में उसके कोई अंतर नहीं आया, बस मार्ग में विस्थापित हो गई। जैसे उसको इस घर पहुंचना था, वो ये घर देख के चली थी, सामने सीधे सीधे पहुंच जाएंगे, लेकिन वो किसी और के घर पहुंच गई, लेकिन दिशा वही का वही है। जैसे पूर्व दिशा आपके तरफ है तो ये पूर्व दिशा, यानी दिशा में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ वो अपने मार्ग से भटक गई है। और ये समांतर होते हैं इसलिए इसमें पार्श्व विस्थापन आया। आप विस्थापन समझ गए होंगे कक्षा 9 में ही ना। हाँ, जब समांतर किरणें होती है, मतलब समांतर दूरी एकदम सीध में सबसे छोटी दूरी वही विस्थापन होता है, तो यही इसी तरह ये विस्थापित हो गई अपनी जगह से ना। ठीक है, ये दोनों किरणें आपस में कभी मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि ये समांतर किरणें हो जाती हैं, ठीक है। ये आपके प्रूव नहीं है, वैसे प्रूव हो जाता, लेकिन ये दोनों समांतर हो जाती है। तो ये दूरी जो हो गई, इसी को हम कह दिए पार्श्व विस्थापन। डी से दिखाइए, एस से दिखाइए, जो आप कक्षा 9 में पढ़े हैं ना, समझ गए। दो टर्म छोटे छोटे थे, हमने सोचा कि उनको एक वीडियो में आपको समझा दिया जाए। अगर इसको बड़े से लिखना है तो कांच का एक नाम लिख दीजिए पी क्यू आर एस, किरण का एक नाम दे दीजिए ए बी सी डी, इसको भी एक नाम दे दीजिए ई। अब कैसे इसका नामकरण करेंगे, प्रकाश की किरण ए आ रही है ना, कांच के गुटके पी क्यू के बिंदु बी पर गिरी और वहां से अपवर्तित होकर के वो बी सी दिशा में चली गई। ए किरण पी क्यू के बिंदु बी पर गिरी और यहां से अपवर्तित होकर बी सी दिशा में आगे बढ़ गई, बी सी दिशा से फिर पुनः अपवर्तित होकर सी डी दिशा में आगे बढ़ गई, ठीक है। ऐसे शुरुआत में लिख दिए, तो ये वाली को जाना था ए बी किस दिशा में, यहां पे ई नाम दे दिए, ए बी दिशा में जाना था, अब चली गई नई दिशा में, सी डी दिशा में चली गई। तो इनके इनके बीच की जो विस्थापन है, इसी को पार्श्व विस्थापन कर दिए, समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए ड्रीम्स ऑफ क्लासेस।